भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 के रात लगाई इमरजेंसी के विरोध में गुरुवार शाम 7 बजे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया। गांधी भवन से शुरू हुए मशाल जुलूस में युवा मोर्चा अध्यक्ष विनीत कृष्ण पारिख सहित भाजपा और युवा मोर्चा के कई पदाधिकारी मौजूद थे। पारिख ने बताया कि इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर आम नागरिकों के मूल अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की थी। आम जनता को जागरूक करने के लिए भाजपा द्वारा मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। मशाल जुलूस गांधी भवन से शुरू होकर क्लॉक टावर शहीद स्मारक पर खत्म हुई। भाजपा नेताओं ने इमरजेंसी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया। ये मशाल जुलूस का कार्यक्रम आपातकाल सन 1975 में 25 जून को इंदिरा गांधी जी द्वारा, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा आपातकाल लगाया गया था, जिसके कारण मौलिक बूतों का हनन हुआ था और कानूनी संरक्षा का हनन हुआ था। इसी के विरोध में आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ये मशाल जुलूस निकाल के इस कार्यक्रम का विरोध किया है।